गाइस फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं पटना जू घर में, और यहाँ एंट्री गेट है तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर, देखेंगे क्या कैसे मतलब कितना पैसा लगता है। ऐसे तो ऑनलाइन से सब हम लोग देख करके आए हैं क्योंकि 30 रुपया लगेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पीछे हम लोग चिड़ियाघर में बस लगभग नाश्ता वास्ता करके हम लोग निकलेंगे, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम लोग गाइस नाश्ता करने के लिए गाइस, तो यहाँ पे आ गए हम लोगों का शुद्ध शाकाहारी भोजन लिट्टी चोखा, तो हम लोग खाइए खाइए। फाइनली गाइस हम लोग का नाश्ता वास्ता हो गया है, अब तगड़ा हो गए हैं इसलिए थोड़ा कड़क बोल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जू पटना जू के अंदर गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर एंट्री करने के लिए, तो ये देखते हैं कैसे एंट्री का प्रोसेस है। पानी का बोतल नहीं ले जाने दिया जा रहा है क्योंकि आपके पास थर्मस या और कोई एनी बोतल होगा तो वो ले जाने, ये अलाउ नहीं है, तो इसलिए आप लोग ये अलाउ मत लीजिएगा क्योंकि ये नहीं ले जाने दे रहा है अंदर। हम लोग जा रहे हैं अंदर। हाँ अरे हमारा टिकट लेंगे, टिकट हमारा लीजिए हमारा, यहाँ पे सब क्राइटेरिया निकल जा रहा है क्योंकि आपको ले जाना नहीं। तो गाइस यहाँ से हम लोग का टिकट कटेगा, यहाँ पे टिकट का प्राइस 30 रुपया है। चलते हैं पहले टिकट कटा लेते हैं। इधर का सेटअप भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऊपर का सेटअप मस्त लग रहा है, देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों का टिकट अपना कटा लिया है, लीजिए अपना अपना ऐसे ही दिखा दीजिए। हो गया मेरा ये टिकट, यहाँ पे मेरा कट गया है, 30 रुपये लगा है टिकट कटाने के लिए एक आदमी का। पहले ऐसा हम लोग अंदर आ चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग का टिकट चेक हुआ, हम लोग देख सकते हैं कट मारा हुआ है, सामने का भी देख सकते हैं। इसलिए गलती गलती उजल जाते हो तुलसी गलती, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आएंगे तो यहाँ पे इलाका आप लोगों को बना हुआ देखेगा, कौन कहाँ कहाँ है क्या क्या है मतलब पूरा मैप, तो देख सकते हैं। वहाँ से एंटर किए थे, यू आर हियर, देखा जगह का कमी लगा। तो चलिए चलते हैं गाइस, दिखाते हैं मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है पटना जू सफारी का और राजगीर जू सफारी का, तो वहाँ पर तो इससे मतलब बेहतर था राजगीर का, कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, अभी चल रहे हैं लगता है। यह ट्रेन का पटरी, यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे तो लेपर्ड लायन टाइगर और स्लॉट बियर मिलेगा, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं हम लोगों को। इधर सभी स्नैक का मतलब ग्राफ दिया गया है, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं दिखा, इसमें भी कुछ नहीं है। भाई को अभी तक उनको ऐसा दिखना है दिखा नहीं। गाइस तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक 7 काला हंस का सब लिखा गया है इधर में, और इसके अंदर इसी के अंदर सब लोग हैं देख सकते हैं, वो सब है।
दिस इज पीकॉक गाइस, लुक एट दिस। क्लियर नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे नेट लगा हुआ है, इसलिए क्लियर आप लोग देख सकते हैं। और देख सकते हैं बत्तख है, बत्तख। चिड़ियाघर घूमने में गाइस मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि पटना का मतलब कुछ वैसा है नहीं, फिर भी देखते हैं मतलब आगे कुछ मिल जाए देखने के लिए। कहेंगे अभी लोग चिड़िया उड़िया देख रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मतलब है। दिस इज मंकी गाइस। हेलो बाबू, यहाँ पे गाइस देख सकते हैं दिस इज लंगूर, और जस्ट इसी के बगल में यहाँ पे है बैठा, देखिए। ओ भाई सो गाइस, देखिए कितना ऊपर चढ़ गया अभी। पे गाइस देख सकते हैं कितना मतलब कछुआ है, हमारे गांव में रहता था तो पका के खा लेते थे हम लोग खूब जाने के। इधर आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगी गाइस, लेकिन हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे हैं क्योंकि मज़ा आता है पैदल ही देखने में। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस व्हाइट पीकॉक, इधर आओ, इधर आओ बाबू। हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है मोर। तो गाइस तो अभी तक सिर्फ पक्षी ही देख पाए हैं, और जानवर हो सकता है शायद आगे होगा, तो चलिए चलते हैं जानवर। और यहाँ पे गाइस आपको दिखाएंगे एक ऐसा अनोखी चीज़ जो पटना के जू सफारी में मतलब वो है, चलिए आगे दिखाते हैं। एक मतलब प्राइवेट जेट छोटा सा, जिसको मतलब पर्यटकों के लिए लगाया गया है, मतलब देखने के लिए बहुत अच्छा दिखता है। देख सकते हैं गाइस, फोटो खींचो गाइस। जिधर जिधर साइन बना है उधर उधर सब कुछ है। इधर तो साफ अब हमको दिखवे नहीं किया, सिर्फ इसमें से एक काला तेंदुआ भी नहीं दिखा। ये वाला सिर्फ इधर मिलेगा, देखना रे उधर कंटीन है, जिराफ गेंडा और हाथी देखने को मिलेगा इस साइड। तो चलिए चलते हैं देखते हैं खुला है कि नहीं। और यह बीच बीच में रेल की पटरी है, और यह फाइटर जेट अपना रोज गार्डन, ये है गाइस रोज गार्डन। बारहसिंगा है सब, ये देखिए गाइस बारहसिंगा। घूमते घूमते गाइस थक जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है कोको कोला मतलब कोल्ड ड्रिंक कोई भी, और चाउमिन वाउमिन सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। हम लोग तो अभी बाहर से खा करके आए, तो अभी उतना मतलब भूख नहीं लगी है तो कुछ खाएंगे नहीं। वैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा दरियाई घोड़ा,
ये जो बहुत ही खतरनाक और कई घंटों तक मतलब पानी में अपना सांस रोक सकता है, दिख रहा होगा हल्का हल्का उसका मतलब मुंह ऊपर है। उसका अभी पेट दिख रहा है क्योंकि वो अपने मुड़ी को अंदर कर लिया है। और इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे हैप्पी फोटो दरियाई घोड़ा पानी के प्रति अपने प्रेम के कारण नदी के घोड़े के रूप में भी जाने जाते हैं। और पटना भी अच्छा ही खासा है मतलब चिड़ियाघर, मुझे उतना मजा नहीं आया क्योंकि मैं मतलब दिल्ली का नेशनल पार्क घूमने आई तो हर एक चीज़ मतलब मिलता है, तो अब इसमें मज़ा कुछ नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं फिर भी देखते हैं क्या क्या है, किधर से भाग भाग मत आके चेक कर दे नहीं तो बाप नदी में जिराफ आ चुके हैं गाइस। जिराफ मणिपुर हिरण अरे तो फिर उधर जा रहे हैं जिधर से आए थे भाई, चले गए इधर घूमने इधर में कोई है भी नहीं। देख सकते हैं मछलियाँ सब कितनी बड़ी बड़ी हैं। अमेजन की नदी में जैसा लग रहा है लेकिन अमेजन की नदी है नहीं, बस छोटा सा एक तालाब है। आज गाइस मतलब हम पहली बार देखेंगे जिराफ को, वो भी अपनी नज़रों से, तो आइए देखते हैं। ओह उसमें बैठा है, आप लोगों को दिख रहा है हल्का हल्का। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं गेंडा, हाथी हाथी है ना। तो गाइस चलते चलते थक गए थे तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए सोचे थे यहाँ पे आ चुके हैं बैठने के लिए, यहाँ बनाया गया था बैठने के लिए। रेस्ट कर रहे हैं कुछ मिनट के बाद फिर अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक गेंडा और जिराफ और सब पक्षी दिखी थी और शेर और तेंदुआ सब बाकी है, तो इधर से चलते हैं देखते हैं मतलब दिखता है कि नहीं है भी कि नहीं। और जिराफ दो था तो अभी मतलब अपनी रूम में था दिखाई नहीं दिया, वही दो थी। अभी गेंडा तो दिखाई भी किए हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आराम आराम करके निकल चुके हैं फिर से घूमने। भाई नीचे वो है नहीं।